बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नुमान कही हूँ। तुसी देखते पे हो गंदारा हिंडको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां। पीपल्स पार्टी दे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दी कयादत दी कराची सी पीपल्स पार्टी दे हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च दा आगाज हो गया है। कराची सी लारकाना वसे कारवान भुट्टो स्पेशल ट्रेन ही रवाना हो गया है। बिलावल भुट्टो कैंट स्टेशन पहुंचे तो बड़ी तादाद कारकुनान जमा हो गए ते बिलावल भुट्टो दा इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने किया वे कि आवाम दा सैलाब साढ़े नाल है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की थी, बड़े यू टर्न नहीं लीता आया, आवाम नू धोखा ना दिता जा सी। अज हुकुमरान जुल्फिकार अली भुट्टो दे कारकुना ते नवासे सी डर दे पैन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने किया वे कि एक खत दी बुनियाद ते नवाज शरीफ दी जमानत दा केस बनाया जाता पिया वे। चीफ जस्टिस की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के त्रै रुकनी बैंक ने नवाज शरीफ की तिबी बुनियादा से दरख्वास्त की जमानत की समाअत की थी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए किया कि पांच मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लिता, हर मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। नवाज शरीफ हाइपर टेंशन, दिल गुर्दे ते शुगर के मर्ज मुबतला हो। चीफ जस्टिस ने किया कि जिस बुनियाद से केस बनाते पे हो वो एक खत है, पता नहीं गा कि डॉक्टर लॉरेंस जिंदा भी हूं या नहीं। फौजदारी केस इस खत से एनएसआर नहीं किया जाता। गैर मुल्की सयाहों के वीजे वसे एनओसी की शरत खत्म कर दी गई है। वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी ने किया है कि वीजा पॉलिसी के हवाले नाल हुकूमत का अहम इकदाम सामने आ गया है। वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान सयाहों वसे पुरकशिश मुल्क बनाने वैसे वीजा पॉलिसी नरमी की गई है। गंदारा इनको बोर्ड से गंदारा इनको अकेडमी देते रहे तमाम। जनवरी 2019 की 7वीं आलमी इनको कॉन्फ्रेंस बच्चों वैसे खेड खेड ही छिनको सीखने की जिस एंड्रॉयड ऐप का ऐलान किया गया आया वो ऐप तैयार कर ली थी गई है। इस ऐप 50 मुख्तलिफ लेवल हूँ जिस एक हर्फ न पढ़ना लिखना तो इससे बनने वाले अल्फाज की पहचान कराई गई है। इस अलावा इस एंड्रॉयड ऐप बच्चों वैसे ड्राइंग टूल्स के नाल कार्टून की शक्ल कहानियां भी मौजूद हूँ। T20 क्रिकेट पाकिस्तानी हुकुमरानी बदस्तूर कायम है, जबकि बैटिंग बाबर आजम भी टॉप पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। टॉप से पाकिस्तान की हुकुमरानी नू कोई खतरा नहीं गा, इस नू करीब तरीन हरीफ भारत ते 13 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। बैटिंग बाबर आजम बदस्तूर नंबर वन पोजीशन ते फाइज जबकि फखर जमान का नौवा नंबर है। योमे पाकिस्तान के मौके से रिलीज होने वाली फिल्मा शेर दिल ते लाल कबूतर पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस से अच्छा बिजनेस कर दी पई। मिकाल जुल्फिकार की फिल्म शेर दिल ने मिनशा पाशा की फिल्म लाल कबूतर नू रिलीज दे पहले ही दिन पीछे छोड़ दिता आया। 22 मार्च नू अदाकार मिकाल जुल्फिकार ते अरमीना खान दी हुबुल वतनी दे जज्बे से भरपूर फिल्म शेर दिल, जबकि अदाकार मिनशा पाशा ते अहमद अली अकबर दी क्राइम थ्रिलर फिल्म लाल कबूतर नुमाइश से पेश की गई। भारतीय फिल्मों ते पाबंदी की वजह नाल दोनों फिल्मों पाकिस्तानी शायकीन नू सिनेमा तक लियाने कामयाब रही। इस नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल बात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज। Thank you.